रजिया सुल्तान गुलाम वंश की पांचवी सुल्तान और हिंदुस्तान की पहली महिला हुक्मरान थी। इसके अलावा रजिया सुल्तान तुर्की और मुस्लिम तारीख की भी पहली महिला हुक्मरान थी। इनकी पैदाइश 1205 में दिल्ली में हुई थी। रजिया सुल्तान ने हिंदुस्तान पर 1236 से लेकर 1240 तक हुक्मरानी की थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने उस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने अपना जानशीन रजिया सुल्तान को मुकर्रर किया। रजिया सुल्तान बहुत ही समझदार वे एक महान जंगजू थी।